तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पर, जहां हम आपको सिखाते हैं कोडिंग और गेमिंग कुछ मस्ती के संग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे कोडिंग के संग, जहां आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं टीरेक्स गेम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसा दिखता है ये टीरेक्स डाइनो गेम हमारे टीरेक्स रनर गेम पर। चलिए इसे चालू करते हैं। तो देखिए, डायनासोर दौड़ना शुरू कर दिया है और ये ऑब्स्टेकल्स, ये क्लाउड्स सब अपने आप आ रहे हैं। अलग अलग टाइप्स के ऑब्स्टेकल्स, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स विद अलग अलग हाइट, सब अपने आप आ रहे हैं ना। तो हम भी कुछ ऐसा ही गेम बनाएंगे जो एकदम इससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा हमारे code.org टैब पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारे code.org टैब पर। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हमारे code.org प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट एंड अकाउंट दबाकर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के संग भी एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या तो इसमें एक और ऑप्शन है जो कि है, आप बिना कोई अकाउंट के इसमें कोड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इन चार प्लेटफॉर्म्स पर, जिसको हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने तो इसमें साइन इन कर ही रखा है। ठीक है, तो मैं अपना साइन इन कर लेता हूँ। आप लोग भी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, साइन इन कर लीजिए, ये बहुत ही सिक्योर साइट है। ठीक है, एक तो ये देखिए दोस्तों, मैंने साइन इन कर लिया है, ये रहा मेरा पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट्स है, ये देखिए टीरेक्स गेम, आप देख सकते हो ये टीरेक्स गेम मैंने पूरा बना लिया है, ये पूरा रेडी है। ठीक है, तो आज मैं आपको कोड लिखकर या ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको आज कोड लिखा हुआ है, ये कोड आप अगर चाहो तो मैं आपको इसे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपके ईमेल्स पर, ये आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं ये कोड भेज दूंगा, वरना मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आप कॉपी कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि YouTube में हम लोग पॉज और प्ले करके वीडियोस देख सकते हैं, तो आप प्लीज़ पॉज और प्ले करके ये कोड कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग इसे रन कर देख लेते हैं कि ये रन होता तो है क्या। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा अच्छे तरीके से रन हो रहा है। जैसे ही मैं स्पेस क्लिक कर रहा हूँ, ये कूद भी रहा है और क्लाउड्स भी आ रहे, ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे, वो भी रैंडमली। मैं कहीं पर भी कुछ भी नहीं दबा रहा दोस्तों, सच बोलूँ तो ये बहुत इजी है इसको बनाना। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, मैं जैसा बोलूँ आप कोड वैसा ही रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन के संग चलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने एनिमेशन रेडी कर रखा है आप लोग के लिए, ताकि इससे आपका वक्त बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे आसानी से पा सकते हो। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे trex.animation.com पर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टीरेक्स गेम एनिमेशंस, तो आपको ये टीरेक्स गेम के एनिमेशंस बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि पहला वाला जो होगा उसका 4 frames होगा। ठीक है, सॉरी 3 frames होगा, एक जिसमें उसके दोनों पांव नीचे होंगे, एक जिसमें आगे वाला पांव ऊपर, और तीसरा जिसमें उसका पीछे वाला पांव ऊपर होगा। ग्राउंड टू आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि, और आप वही ले लीजिएगा, क्लाउड तो जैसा है वैसा ही है। और आपको 6 तरह के ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे दोस्तों,
फिर आपको एक टीरेक्स का कोलाइडेड मिलेगा जिसमें इसके आँख खुले होंगे और दोनों पाँव नीचे होगा, और फिर आपको एक रीस्टार्ट का भी मिलेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों चलते हैं सीधा कोर्ट के संग। तो मैंने पहला जो लाइन है वो लिखा है वैर प्ले इज इक्वल टू वन, तो इसका मतलब कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने कैप्स में प्ले दिया है और मैंने उसका वैल्यू वन सेट कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली मैंने एंड भी क्रिएट किया और उसका वैल्यू जीरो दे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन के संग, जहाँ मैंने लिखा है वैर गेम स्टेट इज इक्वल टू प्ले। अब मैं इसको वैल्यू वन असाइन करना चाहता था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे वैल्यू प्ले दिया ताकि आगे मैं वैल्यू एंड का इस्तेमाल कर सकूं। फिर मैं फंक्शन ड्रॉ की शुरुआत करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए। अच्छा वैसे एक गलती है मेरी यहाँ पर, जो नहीं, ठीक है, तो ये वाली फंक्शन ड्रॉ हम ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों, और अब हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन पर, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो दोस्तों। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वैट टी रेक्स। तो मैं एक टी रेक्स बोल के एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको तुरंत ही स्प्राइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर मैं उसे एक्स डायमेंशन 200, वाई डायमेंशन 380, उसे विथ 20 और हाइट 50 देता हूँ। उसके बाद मैं उसे टीरेक्स को एनिमेशन दे देता हूँ टीरेक्स नाम से। अब दोस्तों एनिमेशन के लिए एक बार फिर से यहाँ चलते हैं, तो अब आप इन एनिमेशंस को अपने नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे टीरेक्स नाम दिया, तो मैं यहाँ टीरेक्स लिख रहा हूँ। अब हम लोग इसे स्केल करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग इसे स्केल नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आता है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। यार एक मिनट, मैं अगर इस लाइन को एक कमेंट बना दूं, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये कैसे देखे दोस्तों, ये बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे स्केल करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे स्केल करके 0.5 पे रखा है और उसके एक्स पोजीशन को सेट किया है 50 पर। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इसे एक कोलाइडर दे दिया है, जिस कोलाइडर का मैंने शेप सर्कल रखा है और उसका पोजीशन उसके सेंटर से एकदम एग्जैक्ट उसके सेंटर पर रखा है और उसका जो रेडियस है उसे 30 कर दिया। अब हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ग्राउंड, जिसको हम लोग तुरंत स्प्राइट बना देंगे और उसे हम लोग दे देंगे उसके डायमेंशंस 200, 380, 400 और 20। और हम लोग उसे फर्स्ट कुछ समय के लिए हम लोग उसे नेवर एंडिंग बना देते हैं, मतलब कि वो कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसे एनिमेशन भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग एक इनविजिबल ग्राउंड बनाते हैं जिसका विजिबिलिटी हम लोग फॉल्स कर देते हैं, इसे भी हम लोग तुरंत ही स्प्राइट में बदल देंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग दो ग्रुप बनाते हैं दोस्तों, एक ऑब्स्टेकल्स ग्रुप और एक क्लाउड्स ग्रुप। फिर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों रीस्टार्ट नाम का, जिसको हम लोग फिर से स्प्राइट में बदल देते हैं और इसे हम लोग सिर्फ एक्स और वाई पोजीशन देते हैं, इसका विथ और हाइट नहीं प्रोवाइड करते। फिर हम लोग इसे एनिमेशन देते हैं और इसे स्केल कर देते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। फिर हम लोग इसका विजिबिलिटी फॉल्स में बदल देते हैं। फिर हम लोग सेट टेक्स्ट का साइज और उसका फॉन्ट एक बार के लिए वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेट कर देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका वैल्यू हम लोग जीरो कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन फंक्शन ड्रॉ के संग। ये फंक्शन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पूरे कोड पर। इसके अंदर जो भी होता है वो हर बार लूप में रन करता है। ये एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों जो हमेशा लूप में रन करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड पहले वाइट कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड में कोई दाग ना आ जाए। उसके बाद अब हम लोग इसका टेक्स्ट हम लोग स्कोर प्रिंट करेंगे, स्कोर इज इक्वल टू और फिर काउंट। ठीक है, अब काउंट बढ़ता रहेगा, उसके लिए हम लोग आगे गेम स्टेट जब तक प्ले में रहेगा दोस्तों
तब तक में हम लोग क्या बोलते हैं स्कोर को बढ़ाते रहेंगे, है ना। हम लोग को तो वही चाहिए, क्योंकि जैसे ही गेम स्टेट में एंड में आ जाए, यहाँ पर देखे जैसे गेम स्टेट इज इक्वल टू एंड में आ जाए, तब फिर हमें चाहिए कि स्कोर बढ़ना रुक जाएगा, है ना। तो चलिए फिर अब हम लोग यहाँ पर ग्राउंड का वेलोसिटी देते हैं ताकि ग्राउंड चलने लगे। हम लोग याद रखिएगा दोस्तों, टीरेक्स नहीं ग्राउंड चलता है, ये टीरेक्स गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये गेम आसानी से बना पाए। फिर अब हम लोग देखिए, अब हम लोग काउंट को, जब तक वो काउंट 0 से ज़्यादा है और 100 से डिवाइडेड है, तब हम लोग एक पॉइंट साउंड क्रिएट करेंगे। देखे दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आपको बस ये प्ले साउंड लिखना है, और फिर जैसे समझ लीजिए अगर मैं इसे हटा दूं तो देखे दोस्तों चूज का ऑप्शन आ जाता है, और फिर आप इससे कोई भी अच्छा जो आपको सूटिंग लगे आप वैसा पॉइंट चूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, फंक्शन ड्रॉ एक ऑटोमेटिक लूप है, तो अब हम लोग इस लूप के अंदर इसे परमानेंटली ग्राउंड को नेवर एंडिंग बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग स्पेस की को फंक्शन देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आप यहाँ देखोगे मैंने टीरेक्स डॉट वाई ग्रेटर देन 359 रखा है एंड ऑपरेटर के संग, ऐसा मैंने क्यों किया। चलिए दोस्तों इसे हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे छोड़ता नहीं हूँ स्पेस की को, तो ये टीरेक्स उड़ने लगेगा, जो कि बहुत ही खराब लगेगा गेम में। इसीलिए मैंने शिफ्ट प्लस 7 दो बार दबाया और फिर लिख दिया टीरेक्स डॉट वाई इज ग्रेटर देन 359, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने टीरेक्स के वेलोसिटी वाई को एक -12 में रखा है, मैंने नेगेटिव वैल्यू इसीलिए दिया है ताकि वो ऊपर जाए, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू इसीलिए दिया है ताकि वो लेफ्ट साइड में बढ़े, ताकि लगे कि टीरेक्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने एक प्ले साउंड रखा है दोस्तों, ये मैंने अपने मर्जी से रखा है, आप चाहे तो इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हो। फिर मैंने ग्रेविटी ऐड किया दोस्तों, ताकि टीरेक्स उड़ने के बाद तुरंत नीचे आ जाए, वो उड़ता ना रहे, ठीक है दोस्तों। फिर अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्स्टेकल्स स्पॉन ऑब्स्टेकल्स बोल के एक फंक्शन क्रिएट किया, और फिर टीरेक्स कोलाइड इनविजिबल ग्राउंड से कट गया। याद है दोस्तों हम लोग ने इनविजिबल ग्राउंड बनाया था और टीरेक्स का कोलाइडर भी बनाया था, तो मैंने उसे कोलाइड किया इनविजिबल ग्राउंड से, जो कि नॉर्मल ग्राउंड के थोड़ा सा नीचे है, ताकि लगे कि वो ग्राउंड के ऊपर ही चल रहा है। फिर मैंने स्पॉन क्लाउड्स बोल के एक और फंक्शन क्रिएट किया, फिर मैंने एक ऑब्स्टेकल्स ग्रुप बनाया था, अगर मैंने उसमें दिया कि अगर ऑब्स्टेकल्स ग्रुप टीरेक्स को टच करता है तो एक साउंड बजना चाहिए गेम ओवर का, और एक डेथ का साउंड बजना चाहिए, और गेम स्टेट एंड में बदल जाना चाहिए दोस्तों। तो मैंने अपना पहला इफ स्टेटमेंट, जो कि प्ले स्टेटमेंट था, देखिए दोस्तों ये वाला जो गेम स्टेट इज इक्वल टू प्ले वाला स्टेटमेंट था, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ मैं गेम स्टेट इक्वल टू एंड में आया हूँ। अब दोस्तों आप सोचोगे कि मैंने यहाँ 3 इक्वल टू क्यों दिया है, तो मैं आपको बता दूँ कि जावा स्क्रिप्ट कोडिंग में हमें 3 इक्वल टू देना पड़ता है कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट को विजिबिलिटी दे दिया है और रीस्टार्ट का विजिबल ट्रू कर दिया है। फिर मैंने ग्राउंड का वेलोसिटी, टीरेक्स का एक्स और वाई दोनों वेलोसिटी 0 कर दिया है, दो टीरेक्स का कोई एक्स वेलोसिटी नहीं था फिर भी मैंने उसे 0 ही किया। ऑब्स्टेकल्स ग्रुप का मैंने वेलोसिटी -1 कर दिया है दोस्तों, ताकि वो थोड़ा सा चले और रुक जाए। फिर मैंने टीरेक्स का जो एनिमेशन है उसे कोलाइडेड में चेंज कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये जो माउस प्रेस ओवर रीस्टार्ट है, तो वो जो रीस्टार्ट बटन है तो उसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखोगे दोस्तों वो रीसेट हो जाता है गेम। तो मैंने एक रीसेट फंक्शन का इस्तेमाल किया और ड्रॉ स्प्राइट्स, जो कि हर कोड डॉट ओ आर जी के प्लेटफॉर्म में एनेबल्ड रहता है फॉर एवर, या वो फ्रॉम स्टार्टिंग एक्टिव रहता है, उसे ला दिया, ताकि जितने भी हम लोग स्प्राइट्स बनाए हैं वो हमेशा विजिबल रहे, ठीक है दोस्तों। अब सिर्फ 3 छोटे छोटे फंक्शंस बच गए हैं और फिर ये गेम
खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अब पहले फंक्शन के संग आगे बढ़ता हूँ जिसको मैंने स्पॉन ऑब्स्टेकल्स का नाम दिया था, याद है दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इफ पहला कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैंने इसके अंदर खोला है वो है इफ वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट। तो अब फ्रेम काउंट दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग गेम में आगे बढ़ेंगे तो गेम के फ्रेम्स बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही 60 फ्रेम खत्म होते हैं, यानी कि व्हेन फ्रेम काउंट रिमाइंडर, दोस्तों यहाँ परसेंटेज का मतलब है कि जब हम लोग फ्रेम काउंट को 60 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर जब 0 आएगा, तब दोस्तों हमें चाहिए कि एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाए। तो हम लोग ने एक ऑब्स्टेकल वेरिएबल लिया और उसे स्प्राइट बना दिया। फिर हम लोग ने उसके एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन और उसके डायमेंशन दे दिए। दोस्तों आप इसे आराम से कॉपी कर सकते हो। फिर मैंने उसे एक वेलोसिटी दिया है और उसका वेलोसिटी मैं बढ़ा के रखता हूँ, मतलब कि जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। फिर मैंने एक रैंड बोल के एक रैंडम नंबर का वेरिएबल क्रिएट किया जिसका रैंडम नंबर 1 से लेकर 6 में होगा। और फिर मैंने ऑब्स्टेकल वेरिएबल को सेट एनिमेशन में दिया और ऑब्स्टेकल को डबल कोट्स के अंदर रखा है दोस्तों, और प्लस रैंड को विदाउट कोट्स में। क्यों दोस्तों? चलिए एक बार एनिमेशन टैब पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने क्यों किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा पहला ऑब्स्टेकल का नाम मैंने रखा है ऑब्स्टेकल 1 विदाउट स्पेस, है ना? तो अब यहाँ पर अगर जैसे ये रैंडम नंबर 1 होगा तो ऑब्स्टेकल 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्स्टेकल रैंडमली लाने के लिए हमने ये 2 लाइन लिखे हैं, ठीक है ना दोस्तों? चलिए फिर मैंने ऑब्स्टेकल्स को स्केल कर दिया है और उसे लाइफ टाइम दे दिया है। इस लाइफ टाइम के बाद वो अपने आप मर जाएंगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद मैंने इन सारे ऑब्स्टेकल्स को एक ग्रुप, ऑब्स्टेकल्स ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था उसमें डाल दिया, ठीक है? और ये हो गया हमारा पहला, हमारा दूसरा फंक्शन खत्म। अब हम लोग अपने थर्ड फंक्शन के संग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सेकंड फंक्शन है स्पॉन क्लाउड्स, ठीक है ना? तो अब हम लोग इस फंक्शन में हम लोग ने फिर से वही इफ स्टेटमेंट चालू किया, बस इधर में इसे 70 कर दिया। फिर सेम प्रोसेस यूज करके हमने क्लाउड बनाया, उसे एनिमेशन दिया और उसे अब इधर में हम लोग ने उसके वाई पोजीशन को रैंडम रखा है, कभी वो थोड़ा ऊपर तो कभी वो थोड़ा नीचे आए ताकि वो गेम रियलिस्टिक लगे, ठीक है? फिर हम लोग ने उसे स्केल किया, उसे एक वेलोसिटी, लाइफ टाइम। अच्छा दोस्तों अब हमने उसे डेप्थ दिया। डेप्थ मतलब कि जब टीरेक्स कूद रहा हो तो हमें टीरेक्स को दिखना है, दिखवाना है और क्लाउड को छुपाना है। तो ये लाइन वही उसी में मदद करता है और हम लोग टीरेक्स के डेप्थ को बढ़ाते रहेंगे ताकि क्लाउड की डेप्थ हमेशा टीरेक्स के डेप्थ से कम रहे। तो दोस्तों हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो पॉज करके ये सब नोट डाउन कर सकते हो या तो वीडियो चलने भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों? अब बचा हमारा आखिरी फंक्शन रीसेट। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें हम लोग गेम स्टेट को प्ले में बदल देते हैं, रीस्टार्ट का विजिबल फॉल्स कर देते हैं और इन दोनों के सारे को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ऑब्स्टेकल्स ग्रुप डॉट डिस्ट्रॉय ईच और क्लाउड्स ग्रुप डॉट डिस्ट्रॉय ईच यूज करते हैं। फिर हम लोग टीरेक्स का एनिमेशन फिर से स्टार्टिंग वाले एनिमेशन टीरेक्स में बदल देते हैं और काउंट को 0 कर देते हैं। तो दोस्तों ये गेम अब समाप्त हो गया है, ये गेम आप अब बना सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भूलना मत मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। हाँ और ये भी बता देता हूँ आपको कि दोस्तों कुछ दिनों बाद मैं आप एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ये सेम गेम आपको एक दूसरे एडिटर के संग बताना सिखाऊंगा जिसका नाम है P5 एडिटर। दोस्तों उस एडिटर की खासियत ये है कि जब हम लोग उस एडिटर को यूज करते हैं तो हम इस कोई भी कोड के APK जनरेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, उसका APK जनरेट करके हम लोग उसे खुद अपने मोबाइल फोन्स में खेल सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये बहुत ही अच्छी बात नहीं लगती? तो दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टनिंग गेम्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। हाँ दोस्तों एक और बात कि आप ये चैनल के और भी वीडियोस देखिएगा। इस चैनल में हम लोग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स के वीडियोस बना रखे हैं, तो आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है?
चलिए दोस्तों आज के लिए बाय बाय, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया।